नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे अपडेट में शेयर करूँ अपने गार्डन के ओवरव्यू के साथ हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे वीडियो में शेयर करूंगी मैं नींबू का पौधा जो पूरी तरह से सूख गया था, तो किस तरह से उसको मैंने केयर किए हैं, तो फिर से उसमें नए नए पत्ते आने लगे हैं। तो इन दिनों देख रहे हैं मेरे गार्डन में हिबिस्कस गुड़हल के कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। सभी पौधों में ढेर सारे कलियाँ बने हुए हैं। कुछ फ्लावर इसमें हार्वेस्ट कर लिए हैं, फिर भी देख रहे हैं सभी में कलियाँ बने हुए हैं। रोज़ ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो बिना ग्रीन नेट के भी मेरे गार्डन में देख रहे हैं पूरा जंगल सा लुक हो रहा है। तो ऐसे पौधे रखे जो कि बिना ग्रीन नेट के बहुत अच्छे चल जाता है, जिसमें कि गुड़हल बहुत अच्छे चल जाता है, तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और देख सकते हैं तेजपत्ता, मोगरा। तो फ्रेंड्स, मोगरा को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके व्हाइट कलर के फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं, साथ में इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जो गार्डन में पूरे चारों तरफ फैल जाती है शाम के टाइम। तो इस पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसे देख रहे हैं सेवंती जो पेंट के बाल्टी में लगे हैं, एक जोड़ा लगे हुए हैं। गुलाब में उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इक्का दुक्का ही हो रहे हैं। अलमंडा में भी देख रहे हैं डबल पेटल के हैं, सब में कलियाँ बन रहे हैं और फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कनेर का पौधा भी फुल सनलाइट में बहुत अच्छे चल जाता है, तो और बहुत हार्डी भी होता है। ये वाला पिंक कलर का है, इसके भीनी भीनी छोड़ खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो कनेर का एक पौधा के कटिंग से दूसरे पौधे भी लगाए हैं जो कि इस तरफ देख सकते हैं। तो इस तरफ देख सकते हैं अलमंडा लगे हैं जो कि कटिंग से ही कई सारे पौधे अलमंडा के बनाए हैं बरसात के सीज़न में। और चांदनी के भी देख रहे हैं फ्लावर अब आना स्टार्ट हो गए हैं इधर बिन का। तो देसी और हाइब्रिड दोनों ही बिन का है, तो इसके कटिंग करके या सीड से भी कई सारे पौधे बन जाते हैं और एक बार लाते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में ये बने रहते हैं। और इधर देख सकते हैं रजनीगंधा भी लगे हैं, तो रजनीगंधा में सब में स्टिक आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे इसमें फ्लावर खिलेंगे तो इसके वीडियो भी मैं आगे शेयर करूँगी। और ये वाला देख रहे हैं कनेर जो कटिंग से लगे हुए हैं, तो ये मिट्टी के गमले लगे हुए हैं। और ये देख रहे हैं बोगनविलिया, चांदनी बहुत अच्छे तरह से, कितना बूसी और पूरा जंगल लुक हो रहा है मेरे गार्डन में। तो फ्रेंड्स, अभी मई जून की तेज़ गर्मी से बचाने के लिए पौधे को सही समय से पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में ही इसको पाइप से अगर साबर करके पानी देते हैं तो एक तो इसके धूल हट जाते हैं, पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहता है। तो अभी जो सीजन के वेजिटेबल्स हो उसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, वो भी बिना ग्रीन नेट के धूप में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इधर देख रहे हैं भिंडी, तो भिंडी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसके फ्लावर भी सुंदर होते हैं और इसमें हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा से ले सकते हैं। तो जो वेजिटेबल्स के पौधे लगाते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते हैं, तभी इसमें हार्वेस्टिंग अच्छी होती है, क्योंकि ये हेवी फीडर पौधा होता है। हर 10 से 15 दिन में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते रहेंगे। तो देख रहे हैं इधर ककड़ी के भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, अभी इसमें पानी नहीं दिए हैं इसलिए इसके पत्ते थोड़ा देख रहे हैं मुरझाए लग रहे हैं। तो इसको अच्छे तरह से अगर पानी दे देंगे तो फिर थोड़े देर में ही इसमें पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छा से हो जाएगा और पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। तो पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी पौधा में थोड़ा कम बेसी पानी हो जाता है तो शाम होते होते पौधे मुरझाए जाते हैं और सूखने लगते हैं। तो इसका पानी सही समय से देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वाला भी देख रहे इधर भिंडी के छोटे छोटे पौधे हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छे से भिंडी लगे हैं और इसके हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये देख रहे हैं बैंगन, तो बैंगन को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे चल जाता है। और ये एक बार लगाते हैं तो एक से डेढ़ साल तक इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी मात्रा में होती है। पोई साग है, तो पोई साग जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत आसानी से भी ग्रो हो जाता है कटिंग से, सीड से। और इसमें भी देख रहे हैं खरबूजा हार्वेस्ट कर लिए हैं और एक दो खरबूजा इसमें लगे हुए हैं। तो चौलाई की भाजी भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, एक बार लगाते हैं तो कई बार इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये वाला चौलाई का पौधा देख रहे हैं, इसमें तो कई बार हार्वेस्टिंग किए हैं। तो मेरा जो नींबू का पौधा था पूरी तरह से सूख गया था, उसके पत्ते भी पूरे झड़ गए थे, तो इसको जगह बदल दिए हैं, शेड एरिया में रख दिए हैं। तो अब जाके इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं और इसको ग्रोथ देख रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है। और इसको गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र भी दे दिए थे, नीम की खली और सड़ी हुई गोबर की थोड़ी मात्रा में खाद। तो कोई पौधा अगर आपको तेज़ धूप गर्मी से ख़राब हो रहा है तो उसको जगह बदल देना चाहिए, शेड एरिया में उठा के गमले को रख देते हैं तो फिर से उसमें ग्रोथ हो सकता है, जो कि मेरे नींबू के पौधे के साथ हुआ है। पूरे तरह से सूख गया था, फिर अब देख रहे हरे भरे हो गया है। और ये रही मेरी आज की हार्वेस्टिंग, जिसमें कि चौलाई की भाजी, थोड़ी मात्रा में भिंडी, बैंगन, ककड़ी, नेनुआ, कई सारे वेजिटेबल्स के हार्वेस्ट किए हैं। तो अपने गार्डन में वेजिटेबल्स ज़रूर लगाएं और ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें, थोड़ी बहुत मात्रा में भी निकलती है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है।
और ये देख सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के बेल लगे हैं जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। मॉर्निंग में इसके फ्लावर खिलते हैं, दोपहर होते होते मुरझा जाते हैं। मॉस रोज भी समर का बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, इसको छोटी सी भी कटिंग कोई भी बास्केट में लगा देते हैं तो बहुत आसानी से लग जाता है। लोबिया में देख रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर खिले हुए हैं, तो लोबिया भी समर में बहुत अच्छे से अगर लगाते हैं तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, तो समर का बहुत अच्छा ही वेजिटेबल्स है। इधर देख रहे हैं पर अपराजिता के पौधे लगे हुए हैं, तो इसके भी ब्लू कलर के फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।